The Triple Talaaq Bill has been tabled in Lok Sabha and is expected to be passed by this evening. The Congress has sought the bill to be sent to the Standing Committee. Congress is supporting the Triple Talaaq Bill but has asked for the provisions to be scrutinised. तीन तलाक का मुद्दा है, तीन तलाक के मुद्दे का जो बिल आ रहा है, कानून आ रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थन करेंगे। उसमें खाली जो उन्होंने उसकी क्रिमिनलिटी एंगल को जेड़ा है कि तीन साल की जो है सजा, उसको खाली देखने की चीज है कि वो सजा के वक्त कहीं पति ये बहाना तो नहीं ले औरत के खिलाफ कि मैं तो जेल में हूँ, कहाँ से मैं इसको मुआवजा दे सकता हूँ, कहीं वो बहाने का यूज न कर ले, इसलिए एक वो चीज देखने के। दूसरे वो गैर जमानती उसको उन्होंने बनाया, तो अगर जमानती हो जाए तो सजा भी मिल गई उसको, जुर्माना भी हो गया, मुआवजा भी, हर्जाना भी हो गया, और जो है जमानत मिलकर कम से कम वो अदा कर सकता। इस एंगल को खाली देखना है, बाकी हम बिल के समर्थन में। Congress has also slammed BJP MP Anand Kumar Hegde's statement, saying the party will be making changes to the Indian Constitution in the coming few months. नहीं, संविधान खतरे में तो है, क्योंकि जिस तरह की बात है, मिनिस्टर कह रहे हैं, केंद्र में मंत्री आनंद हेगड़े, वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, संविधान में कोई ये नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उससे लगता है कि जी सरकार के मंसूबे क्या है। इसलिए जो है संविधान की रक्षा के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं।